बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, PSL 8 में शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम से गलत रवैये पर मोहम्मद आमिर की सरजनिश की थी। दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम से मुतल्लिक शाहिद अफरीदी के बयान को जुटला दिया। दोस्तों, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने शाहिद अफरीदी के दावों का जवाब दिया है। एक इंटरव्यू में कौमी टीम के साबिक पेसर मोहम्मद आमिर ने कहा कि शाहिद अफरीदी के बाबर आजम से मुतल्लिक दावे की तर्दीद करता हूँ। शाहिद भाई ने मुझे मैच के बाद पैगाम भेजा था जिसमें मेरी बॉलिंग की तारीफ की गई थी और फिटनेस से मुतालिक सवाल पूछा गया था, लेकिन बाबर का सामना कैसे करेंगे जैसी बातें ये उनके मैसेज का हिस्सा नहीं थी। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग में मैच के दौरान गर्मा गर्मी हुई थी, लेकिन मैंने बाबर को क्या नुकसान पहुँचाया है, मुझे ये बहुत अजीब लगा। मुझे नहीं मालूम की शाहिद भाई क्या सोच रहे थे, अलबत्त मेरा अंदाजा है की वो थोड़ी जल्दी बोलते हैं इसीलिए कोई गलती हुई है। दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने मजीद कहा की मेरे और बाबर के दरमियान इफहाम और तफहीम और एहतराम का रिश्ता है, इनके लिए कभी कोई बुरी ख्वाहिश या दुश्मनी नहीं रही। इसके बावजूद अवामी तासर अक्सर इन्हें दुश्मनी के तौर पर पेश करता है, जो गलत है। दोस्तों, अगर आप भी समझते हैं कि मोहम्मद आमिर का बाबर आजम से रवैया ठीक नहीं था, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।